కేంద్ర ఆరోగ్య సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ మీడియా తో మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం 45 60 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ మే 34.8% కేస్ ఫెటాలిటీ హస్ బీన్ నోటెడ్ और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटेलिटी नोट की गई है। इसके साथ ही 78% केसेस में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि COVID-19 के संबंध में बोथ एल्डरली एज और कोमॉर्बिडिटीज रिस्क फैक्टर्स के रूप में पाए गए हैं। अगर हम देखें तो देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है, वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। यहाँ यह बात मुख्य है कि हमें समझना चाहिए कि ओवरऑल स्टेट का डबलिंग रेट अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि उस स्टेट के कुछ जिलों में केसेस का डबलिंग रेट हाई हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग ये ऑब्जर्व करें, ये इंश्योर करें कि हमारा जहाँ एक ओवरऑल देश का डबलिंग रेट बढ़े यानी कि कम दिनों में ज्यादा दिनों में केसेस का डबलिंग हो, उसी हिसाब से हम अपने आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स में कंसंट्रेटेड वे में काम करें ताकि हम ओवरऑल डिजीज को इस देश में कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमने सब स्टेट से फिर से डिस्कस किया, उनको रिक्वेस्ट किया है कि COVID-19 के केसेस को मैनेज करते समय हम ये भी इंश्योर करें कि नॉन कोविड रिलेटेड इसेंशियल सर्विसेज सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती रहें। नॉन कोविड एसेंशियल सर्विसेज से संबंध में ऑलरेडी 20 अप्रैल को एक डिटेल गाइडलाइन जारी की गई थी जिसके तहत हमने कहा था कि वह मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हों, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रसी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगी या साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायलिसिस, ऐसी जो भी डिजीजेज हों उनकी सर्विसेज भी रेगुलरली लोगों को प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने डायलिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी 7 अप्रैल को जारी किया था। साथ ही 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी डिटेल गाइडलाइंस जारी की थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर कहा था कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल एनीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उनके लोगों को क्योंकि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो ये इंश्योर किया जाए कि उनको प्रॉपर और अनइंटरप्टेड वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज मिलती रहें। राज्य में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के कई अस्पताल अपने रेगुलर पेशेंट्स को डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी क्रिटिकल सर्विसेज को देने में किसी कारणवश भय की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने डर इस डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया जाता है कि जिन भी क्रिटिकल सर्विसेज की देश में आवश्यकता है सभी हेल्थ फैसिलिटीज विशेषकर प्राइवेट सेक्टर ये फंक्शनल बनी रहे और किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में भी यह स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था कि लॉकडाउन की अवधि में सारी हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें। COVID-19 टेस्टिंग के संदर्भ में यह हाईलाइट करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी जो भी किसी को टेस्ट प्रिस्क्राइब करे वह प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। हमें एडिशनल टेस्टिंग प्रेस्क्राइब कर किसी को सर्विस रिफ्यूज नहीं करनी है। साथ ही
हमें ये इंश्योर करना है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और उसके साथ ही इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल से रिलेटेड सभी गाइडलाइंस बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सब तरीके से फॉलो की जाएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 20 अप्रैल को नॉन कोविड हेल्थ फैसिलिटीज में अगर कोई कोविड 19 का पेशेंट कन्फर्म पता लगे तो उसको कैसे मैनेज करना है उससे संबंधित भी डिटेल दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनके तहत डिसइंफेक्शन के बाद ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज में सर्विसेज कंटिन्यू की जा सकती हैं। इन गाइडलाइंस को ट्रू लेटर और स्प्रिट में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोलॉन्ग समय के लिए बंद ना रहें, और साथ ही प्रोफाइल एक्सेस के रूप में हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाए, जिसके संबंधित डिटेल्ड एडवाइजरी भी ऑलरेडी जारी की जा चुकी है, और साथ ही हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन की सफिशियंट अवेलेबिलिटी भी फील्ड पर इंश्योर की गई है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर तरीके से सर्विस सुचारू रूप से चलती रहे। हमारी हेल्पलाइन भी जहां पर भी अगर कोई डिनायल ऑफ सर्विस रिलेटेड कोई कंप्लेन या कोई इशू रेज होता है तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से करते हुए इसको सॉल्व करें, इसको सॉर्ट आउट करें और किसी को भी इसेंशियल क्रिटिकल सर्विसेज के लिए इंकार ना किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। पहला ऑनलाइन क्वेश्चन हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट ए हायर प्राइस फॉर प्राइवेट यूज, व्हाट स्टेप्स द मिनिस्ट्री कैन टेक सो दैट इट डज नॉट हैपन दैट द पीपल आर सेलिंग एट ए हायर प्राइस। सर, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट के विषय में हम कई बार इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनका बड़ा लिमिटेड रोल है इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सर्वेलेंस, और इसके तहत ही ICMR इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इसको वह गाइड कर रही है कि कैसे रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अगर यूज़ की जाएँ तो किस तरीके से यूज़ किए जाएँ। इसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, मुख्यतः हमारे को जन जागरूकता की ज़रूरत है कि सबसे पहले हम ये इंश्योर करें कि इसका बहुत